दुनिया में पढ़े लिखे बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। कामयाबी को पाने के लिए सिर्फ जिद और मजबूत इरादे की जरूरत होती है। इस वीडियो में आपको 10 बेस्ट ड्रामा और मोटिवेशनल मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सारी मूवीज हिंदी भाषा में अवेलेबल है। इस वीडियो की हमारी पहली मूवी है द फाउंडर। यह मैकडोनल्ड फास्ट फूड चेन के बारे में, पर यह इससे कहीं ज्यादा है कि एक 52 साल का बूढ़ा आदमी रेमंड क्रॉक सिर्फ अपने जुनून के कारण मैकडोनल्ड की इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी खड़ी करते हैं, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। इससे साबित होता है कि एज जस्ट नंबर और मूवी में एक डायलॉग है कि टैलेंट तो हर किसी में होता है, पर कामयाबी पाने की जिद उन्हें बड़ा बनाती है और वह सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट मूवी है 12 Years a Slave। क्या हो यदि किसी आजाद इंसान को गुलामी करने के लिए कैद कर लिया जाए। यह मूवी एक ऐसे ही अमीर आदमी के बारे में, जिसे अपनी फैमिली से दूर रहकर गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और ऐसा क्यों होता है, वह इससे कैसे बचकर निकलता है, यह आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मूवी में एक डायलॉग है कि यदि आप मुझसे कोई काम करने को कहेंगे और यदि वह मुझे नहीं आता तो मैं मना करूंगा, पर मैं जानता हूं कि उसे करवाना कैसे है। यह मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, जो कि बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। नेक्स्ट मूवी है द वॉक। अपने सपने पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर क्या इसके लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। मूवी ऐसे ही एक लड़के के बारे में जो तार पर चढ़कर कर्तव्य दिखाता है, और इस मूवी की एंडिंग बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है, क्योंकि उसका आखिरी क्षण चुका कर रख देगा। नेक्स्ट मूवी है ब्रिज ऑफ स्पीस। इस मूवी में दो देशों के बीच बार रहती है, एक एजेंट और एक पायलट इन देशों में फंस कर रह जाते और उन्हें कैद कर लिया जाता है। यह मूवी उनके एक देश से दूसरे देश में आने के लिए हुए समझौते और उनकी आजादी पर बेस्ड है, जिसमें बहुत सारा ड्रामा है और इस मूवी की स्टोरी ऑसम है। नेक्स्ट मूवी है अमेरिकन हसल। यह वैसे तो एक क्राइम ड्रामा मूवी है, पर मूवी में कुछ सीखने लायक भी है कि किस तरह अपनी मेहनत और दिमाग से मूवी में कमीशन एजेंट अमीर बनते हैं, और इसके लिए लोगों से कॉन्टैक्ट्स और नई नई स्किल्स होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मूवी है द टर्मिनल। मूवी में दो देशों के बीच वार के कारण एक आदमी एयरपोर्ट पर ही फंस कर रह जाता है, जो कहीं भी नहीं जा सकता। फिर वह वहां पर कैसे सर्वाइव करता है और कैसे बाहर निकलता है, ये आप इस मूवी में देख पाएंगे। यह मूवी आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि यह बहुत कॉमेडी और एंटरटेनिंग है। नेक्स्ट मूवी है फॉरेस्ट गम। मूवी में एक मंदबुद्धि लड़के पर बिल्ड है, जिसे कुछ नहीं आता, पर जो उसे कह दिया जाता है वह उसे करता रहता है और उसकी प्रैक्टिस करके बेहतर बनता जाता है। इस चक्कर में वह कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देता है और एक बड़ी कंपनी का मालिक भी बन जाता है, और वह कैसे, इसके लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी, जो बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। नेक्स्ट मूवी है द कास्ट अवे। मूवी में एक प्लेन क्रैश हो जाने के कारण एक आदमी एक ऐसे आइलैंड पर जाकर फंस जाता है, जहां पर उसके लिए कुछ भी नहीं, उसे वहां पर बस एक ही चीज जिंदा रखती है, और वह है उसे वहां से बाहर निकलकर अपने घर पहुंचने की उम्मीद, और इसके लिए वह वहां पर सर्वाइव करता है। यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, जो कि बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। नेक्स्ट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी में एक आदमी को ऐसे क्राइम के लिए जेल में कैद करके रखा जाता है, जो उसने किया ही नहीं, फिर वह जेल से बाहर निकलने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या क्या करता है, यह इस मूवी में बताया गया है। यह मूवी IMDb के No. 1 टॉप रेटेड मूवी है, जो कि बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। दोस्तों, इन मूवीज के बारे में भले ही मैं आपको सही तरीके से ना समझा पाया हूं, पर इन मूवीज को आप एक बार जरूर देखिए, जो कि बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है। कमेंट करके बताया दोस्तों कि इनमें से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक हार्ड अभी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।